वी कैन से दैट द क्रिश्चियन लाइफ इज लाइक बिल्डिंग अ हाउस, और हम कह सकते हैं कि जो मसीही जीवन है वह एक घर का निर्माण करने के समान है. एंड एवरी हाउस द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ हाउस इज नॉट द पेंटिंग ऑन द वॉल. और किसी भी घर में सबसे महत्वपूर्ण जो उसका हिस्सा रहता है वो दीवारों पे लगी हुई तस्वीरें नहीं रहती. नॉट इवन द ब्रिक्स दैट यू यूज, और वो ईंटें भी नहीं रहते हैं जिनका आप इस्तेमाल करते हैं घर बनाने में. नॉट द डोर्स और द विंडोज, और दरवाजे और खिड़कियां भी महत्वपूर्ण नहीं मानी जाती हैं. यू ऑल नो दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ हाउस इज द फाउंडेशन. और हर कोई जानता है कि किसी भी घर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा या जो अंग होता है वह उसकी नींव होती है. इफ यू वॉन्ट टू बिल्ड योर क्रिश्चियन लाइफ यू मस्ट हैव अ वेरी गुड फाउंडेशन. और यदि आप अपने मसीही जीवन का निर्माण करना चाहते हैं तो आपको एक बहुत ही अच्छी नींव डालने की जरूरत है. एंड दैट फाउंडेशन इज नॉट व्हाट यू कैन डू. और यह जो नींव का काम है इसे आप नहीं कर सकते हैं. दैट फाउंडेशन इज गॉड्स परफेक्ट लव फॉर यू. और यह जो नींव है यह परमेश्वर का सिद्ध प्रेम है आपके प्रति. इफ यू आर नॉट एब्सोल्युटली श्योर दैट गॉड लव्स यू इंटेंसली, और यदि आप पूरी रीति से इस बात के निश्चय नहीं है कि परमेश्वर आपको बेपरिमाण रीति से प्रेम करता है, नॉट जस्ट अ लिटिल बिट, और केवल थोड़ा बहुत ही नहीं. जीसस सेड इफ यू फादर्स नो हाउ टू गिव गुड थिंग्स टू योर चिल्ड्रन हाउ मच मोर योर हेवनली फादर विल गिव गुड थिंग्स टू दोज हु आस्क हिम. और यीशु मसीह ने कहा यदि तुम पिता अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता इनसे बढ़ करके तुम्हें क्यों करना देगा. मैथ्यू 7 एंड वर्स 11. मत्ती रचित सुसमाचार 7वां अध्याय और उसका 11वां वचन. डू यू थिंक अ गुड फादर विल एवर गिव एनीथिंग बैड टू हिज चिल्ड्रन. और आपको क्या लगता है कि कभी कोई अच्छा पिता अपने बच्चों को बुरी वस्तुएं देगा? नो, नहीं. एंड you know how good fathers and mothers sacrifice so much themselves so that they can give the best to their children. aur aap jante hain ki kaise ek acche mata pita swayam bahut sare tyag se hokar ke guzarte hain taki apne santano ko achhi shiksha de. god is better than the best father in the whole world. parantu jo parmeshwar hai wo is sansar ke sabse behtareen pita se bhi uttam hai. you must believe that, that is the foundation. aur aapko is baat ke upar vishwas karna hai, yahi to neeb hai. and the proof of that is in John chapter 3 verse 16. और इसका जो प्रमाण है वो यूहन्ना 3 के 16 में पाया जाता है. It does not say there only God loved the world. और वहां पे ऐसे नहीं लिखा कि परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया. But so greatly loved the world. परंतु वहां पे लिखा है कि परमेश्वर ने इतना बढ़ करके जगत से प्रेम किया. That he gave his son to die for this sinful world. कि उसने अपने पुत्र को दे दिया ताकि वह इस पाप में संसार के लिए मर जाए. When we were his enemies, जब हम उसके शत्रु थे, God loved the world that he gave his son to die for us. परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और अपने पुत्र को हमारे लिए मरने को दे दिया. That is where we see the love of God. और यहीं पर तो हम परमेश्वर के प्रेम को देखते हैं. You must know this verse, Romans 5 verse 8. और आपको इस वचन को जानने की आवश्यकता है, रोमियो की पत्री 5:8 वचन. Where does God prove his love for us? और किस जगह पे परमेश्वर ने अपने प्रेम को हमारे लिए प्रमाणित किया? You say, I know all about it. और आप कहते हैं कि मुझे इन किसके बारे में सब मालूम है. I tell you, you don't know all about it. और मैं आपसे कहता हूँ कि आप इसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं. You know only a little bit. आप इसके बारे में थोड़ा बहुत ही जानते हैं. If you knew all about it, your life would be thoroughly victorious. यदि आप इसके विषय में सब कुछ जानते तो आपका जो जीवन था वो भरसक रीति से भी ज्यादा जयवंत हो जाता. Romans 5 verse 8. रोमियो 5:8. How does God demonstrate his love towards us? और किस रीति से परमेश्वर अपने प्रेम को हमारे लिए प्रदर्शित करता है? While we were sinners, Christ died for us. जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा. Let me use an example. मैं आपके लिए एक उदाहरण बोलूंगा. Supposing you see someone, an evil man who's your enemy, drowning in a river. उदाहरण स्वरूप यदि आप एक व्यक्ति को जो आपका शत्रु है नदी में डूबते हुए देखें. He's a very bad man. वो बहुत ही बुरा व्यक्ति है.
He has done a lot of harm to you. और उसने आपके लिए बहुत ज्यादा बुराई की है. And he is drowning in that river. और वह उस नदी में डूब रहा है. And you are walking by that river with your 20-year-old son. और आप उस नदी के किनारे अपने 20 साल के लड़के के साथ टहल रहे हैं. And you know that man does not know how to swim, he is drowning. और आप जानते हैं कि उस व्यक्ति को तैरना नहीं आता है और आप उसे डूबते हुए देख रहे हैं. And the water is flowing so fast in the river, anybody who goes to help him can get lost. और नदी में पानी का बहाव इतना तेज है कि यदि कोई भी व्यक्ति उसे नदी में बचाने के लिए उतरेगा तो वह स्वयं बहाव के धार में बह जाएगा. Let me ask you a question. और मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगा. Will you tell your son to jump in that river and save that enemy? तो क्या आप अपने उस बेटे को कहोगे कि उस नदी में उतर करके कूद करके जाए और उस व्यक्ति को जो आपका शत्रु है बचाए? Even if it is your friend, you may think twice before asking your son to jump in. और यद्यपि वो व्यक्ति आपका मित्र भी रहे तो भी आप अपने पुत्र को नदी में कूदना बोलने के पहले आप स्वयं दो बार सोचोगे. You may throw a rope to him. You may not. You won't send your son inside there in that dangerous river. और हो सके तो आप एक रस्सी को फेंक दोगे परंतु आप उस उफनती हुई नदी में अपने पुत्र को नहीं भेजोगे. If you send your son into that river to save your enemy. और यदि आप अपने पुत्र को भेज रहे हो उस उफनती हुई नदी में अपने शत्रु को बचाने. And you're willing to let your son die to save your enemy. और आप इस बात की अनुमति दे रहे हो कि भले ही आपका बेटा मर जाए परंतु आपका शत्रु बच जाए. That is the meaning of Romans 5:8. और यही तो मतलब है रोमियो 5:8 वचन का. If you have not understood that, you have not understood the love of God. और यदि आपने इसे नहीं समझा है तो आपने परमेश्वर के प्रेम को नहीं समझा है. That is why I am convinced that most believers have not understood the love of God. और इसीलिए तो मुझे दृढ़ निश्चय है कि बहुत सारे विश्वासियों ने परमेश्वर के प्रेम को नहीं समझा है. There's no good foundation in their life. क्योंकि उनके जीवन में कोई सटीक मजबूत नींव नहीं है. Their life is always shaking. और उनका जीवन हमेशा डगमगाता रहता है. They think the house is standing firm. One day there's a wind and it begins to shake. और उन्हें लगता है कि उनकी जो इमारत है मजबूती से खड़ी परंतु एक दिन हवा चलती है और वह डगमगाने लगता है. The fault is not with the walls, the fault is with the foundation. और जो गलती है वह दीवारों के साथ नहीं है, गलती तो नींव में है. You must know how much God loves you. आपको इस बात को जानने की जरूरत है कि कितना अधिक परमेश्वर ने आपसे प्रेम किया है. That is what we understand on the cross of Calvary. और इसी बात को तो हम कलवरी के क्रूस के ऊपर समझ पाते हैं. While we were enemies, Christ died for us, it says here. यहाँ पे लिखा है कि जब हम बैरी ही थे, शत्रु ही थे, तभी मसीह यीशु हमारे लिए मर गया. Romans 5 verse 10. रोमियो की पत्री 5:10 वचन. We were enemies. हम उसके बैरी थे. And if he sent his son to die for us when we were enemies. और यदि उसने अपने पुत्र को तब हमारे लिए मरने के लिए भेजा जब हम उसके बैरी थे. Then go to Romans 8 verse 32. तब आप जाइए रोमियो की पत्री 8 और उसके 32 वचन को. If when we were enemies, God sent his son to save us. और जब हम बैरी ही थे तभी प्रभु ने यदि अपने पुत्र को हमारे लिए मरने के लिए भेजा. Romans 8:32 says, how will he not give everything else for us? तो रोमियो 8:32 में कहता है तो फिर वह हमें इसके साथ और सब कुछ क्यों करना देगा? If you believe that, you have faith. यदि आप इसके ऊपर विश्वास करेंगे तो आपको विश्वास मिलेगा.